العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. सुबह वमदीहीददी ही वफसी वारशी वलीमती वबीना महमद वही वबारक तस्लिरा कसीरा फल फ़िलगनम ये फ़सल बकरियों की जक़ात के बयान में है साहिब हिदाया ने इस फसल के बाद फ़सलफ़िल से घोड़ों की ज़क़त के अकाम बयान फरमाए है ब़ोल साहिब हिनाया साहिब इनाया बकरियों की ज़क़़़़़त के बयान को घोड़ों की ज़क़त के बयान से मुक़दम करने की वजह ये है कि बकरियाँ कसर उत्तादाद है और अमीर व गरीब सब को हमदस्त है इसलिए इनके अहकाम व मसाइल सीखने की ज़रूरत घोड़ों के अहकाम सीखने के मुकाबले में ज़्यादा है इसलिए अहकाम गनम को तकदीम बयानी हासिल है या ये कि गनम यानी बकरियों की ज़कात का मसला मुतफ़ अल है जबकि घोड़ों की ज़कात का मसला मुख्तलफ़ी है इसलिए लिए मुतफ़ अल चीज़ के मसाइल को पहले बयान किया जा रहा है अज़ीज़ तलबा लफ्ज़ गनम इसमें जिन से है जो मुजक्र मुनस सब को शामिल है और गनम को गनम कहने की वजह यह है कि बकरी न तो अल जिहाद है और ना ही अल दिफा बल्कि हर एक के लिए गनीमत है بسم الله الرحمن الرحيم ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة

चरने वाली चालीस बकरियों से कम में ज़क़़़़़़त नहीं है, लेकिन जब चरने वाली चालीस बकरियाँ हों और उन पर एक साल गुज़र गया हो तो एक सौ बीस तक उनमें एक बकरी वाजिब है फिर जब एक बकरी बढ़ जाए तो दो सौ तक उनमें दो बकरी वाजिब है फिर जब एक और बढ़ जाए तो उनमें तीन बकरियां वाजिब है फिर जब चार सौ हो जाए तो उनमें चार बकरियां वाजिब है फिर हर सौ में एक बकरी वाजिब है इसी तरह का बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मकतबात गिरामिया में सादिर हुआ है और इसी पर इजमा मुनद हो चुका है अजीज तलब कराम बकरियों की जक़त का निसाब और चार सौ से कम बकरियों में जक़ात की तफसील मुलाह़ज़ा फरमाइए सूरत मसला बिल्कुल वाजह है कि बकरियों के निब बकरियों के नाब ज़कात की तादाद चालीस है चालीस से कम में कोई ज़कात नहीं बकरियों में बकरियों में ज़कात के वजूब बकरियों में वजूब ज़कात उस वक्त है जबकि बकरियों में निसाब चालीस की तादाद तक पहुंच जाए चालीस से कम निसाब ज़कात नहीं है बकरियों में बकरियों में वुजुब जक़ात का निसाब चालीस की तादाद है चुनाचे अगर किसी शख्स के पास चालीस अदद सामा बकरियाँ जमा हों और उन पर एक साल गुजर चुका हो तो उस शख्स पर एक बकरी की ज़कात निकालना वाजिब है जिसकी तफसील ये है एक से लेकर के उनतालीस तक कोई जक़ात नहीं चालीस हो जाए तो चालीस से लेकर एक सौ बीस तक एक बकरी वाजिब है 120 तक एक ही बकरी वाजिब जो ही 121 हो तो दो बकरी वाजिब फिर 121 से 200 तक दो बकरी वाजिब जो ही एक दो सौ एक हो तो तीन बकरी वाजिब फिर दो सौ एक से तीन सौ निन्यानवे तक तीन अवाजिब दो सौ एक से तीन सौ निन्यानवे तक तीन बकरियां वाजिब जो ही चार सौ हो जाए तो चार सौ में चार बकरियां वाजिब चालीस से एक सौ बीस तक एक बकरी एक सौ इक्कीस से दो सौ तक दो बकरियां 201 से 399 तक तीन बकरियां 400 में चार बकरियां वाजिब हैं इसके बाद हर 100 पर एक बकरी वाजिब है मसलन 500 में पांच 600 में छः 700 में सात वगैरह 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 इस तफसील की दलील यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानशी सैदुना हज़रत सिद्दीक अकबर रजील ने बकरियों की जक़ात के सिलसिले में जो तहरीरें जारी फ़रमाई है उनमें इसी के मुताबिक अहकाम मसाइल बयान किए गए हैं। फिर इसी तफसील पर पूरी उम्मत का इजमा मुनद हो चुका है जिससे ये मसला और भी ज़्यादा मदद हो गया है वनो वलमाजु सवा शामिली वन और

और गनम का सनी वो बच्चा है जिसका एक साल पूरा हो चुका हो और जज़् वो बच्चा है जिस पर एक साल का अक्सर गुजर गया हो वनबी हनी फ़तरमल तकमा ख़ज़ुलज़्ज़्लम ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعزي और इमाम अब से मरवी है जो साबेन का भी कौल है कि जिज् लिया जाएगा इसलिए कि आप सल्ह वसलम का इरशाद गिरामी है कि हमारा हक जिज्ह और सनी में है और इसलिए कि इससे कुर्बानी अदा हो जाती है लिहाजा जकत भी अदा हो जाएगी ज़ाहिर जहिर की दलील हजरत अन्हु से मरवी हदीस है जो मौकूफ और मरफून दोनों तरह से मरवी है कि जकत में सिर्फ सनी या उससे ज्यादा लिया जाएगा और इसलिए भी कि यह औसत दर्जे का जानवर नहीं है और जिज़ा से कु का जवाज अजरू नस मालूम हुआ है और माकबल में बयान करदा रिवायत में जिज से ऊंट का जिज़ा मुराद है भेड़ दुम्बा माज बकरी सनी एक साल का बकरी या भेड़ का बच्चा जज जानवरों का एक साल से कम आठ या नौ माह का बच्चा जिजा कहलाता है सनी एक साल का बकरी या भेड़ का बच्चा अजीज तलबे के राम बकरियों की ज़कात में वाजिब होने वाले जानवरों की तफसील हले इबारत से पहले यह बात जहन में रखिए कि है के, जान। जान के माना है भेड़ और दुम्बा और माज के माना है बकरी सनी का हो या माज का मतलब दुम्बा हो दुम्बा का हो या बकरी का वो बच्चा कहलाता है सनी सनी वो बच्चा कहलाता है जिसके एक साल मुकम्मल हो गए हो और वो दूसरे साल में दाखिल हो गया हो इसी को जकवात में लिया जाता है इसके बिलमकाबिल जि वो बच्चा कहलाता है जो एक साल से कम का हो और बाज़ नौ माह का हो या आठ माह का हो ज़ाहिर रिवाया के मुताबिक इसे ज़कात में नहीं लिया जाता और इसमें अख्तिलाफ भी है सूरत मसला यह है कि तकमील निसाब के, के हवाले से भेड़, दुम्बा और बकरी दोनों बराबर है यानी अगर गनम की अकसाम में से और माज़ दोनों जमा हो लेकिन उनमें से कोई भी हद निसाब यानी चालीस की तादाद में ना हो अलबत्ता दोनों का मजमु तादाद को पहुंच रहा हो ढेर दुम्बा बकरी सबको मिला करके का मजमु मिला करके निसाब की तादाद को पहुंच रहा, रहा हो तो फिर दोनों को मिलाकर निसाब मुकम्मल किया जाएगा बीज भेड़ है बीस बकरियां है पच्चीस बकरियां है पंद्रह भेड़ हैं। इस तरह से मिला करके निसाब को मुकम्मल किया जाएगा और फिर उसमें ज़कवात वाजिब होगी इसलिए कि लफ्ज़ गनम जान और माज़ दोनों को शामिल है और ये दोनों उसी की जिन्स और नस्ल से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम का फरमान फ़ीकुल्ली अरबी मिनम श इस हदीस में जो अल गनम का लफ्ज वारिद है वहन और माज दोनों किस्मों को शामिल है और नस और हदीस का यही जुज मुराद है वही यू फरमाते हैं कि गनम की ज़कात में से सनी को लिया जाएगा खा वो जान का हो भेड़ दुम्बे का हो या बकरी का हो और जाहिर के मुताबिक जजा भेड़ का एक साल से कम का बच्चा नहीं लिया जाएगा लेकिन हसन इब्ने जिया से मरवी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की एक रिवायत में यह सराहत है कि ज़कात में भेड़ का एक साल का बच्चा एक साल से कम का बच्चा भी लिया जाएगा भेड़ का दुम्बे का एक साल से कम का बच्चा जिसको जिज़ा कहते हैं जिजा भी लिया जाएगा और यही हज़रा सहाइबहन का भी कौल है इन हज़रा की दलील आप, स्यूंग आप स्यूंग का ये फ़रमान है इन नमा हक़ना अलजिज़नी यानी हमारा वो हक जो हम गुरबा फ़करा के लिए बतौर ज़कात निकालते हैं वो जिज़ा और सनी दोनों का है इस रिवायत से मालूम हुआ कि ज़िज़ा जो एक साल से कम का बच्चा है इसको भी भेड़ बकरियों की ज़कात में दिया और लिया जा सकता है इस सिलसिले की अकली दलील ये है कि जिस तरह ज़कवा़ इबादत है इसी तरह क़ुरबानी भी एक इबादत है और जिह एक साल से कम बच्चे की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं भेड़ बकरी के एक साल से कम बच्चे की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं लिहाज़ा इसको ज़क़़त में देना भी दुरुस्त होगा लिहाजा इसको ज़क़त में देना भी दुरुस्त नहीं होगा इस सिलसिले की अकली दलील ये है कि जिस तरह जक़ात इबादत है इसी तरह कुरबानी भी एक इबादत है और जिजा की क़ुरबानी दुरुस्त है लिहाजा इसको जक़त में देना भी दुरुस्त होगा साहिब हिदाय रि यु फ़कज जकतु

जिसका मजमून यह है लाख जक़ात अल्ल सनी फसाइदन के ज़कात में या तो सनी को लिया जाएगा या इससे बड़ी उम्र वाले जानवर को लिया जाएगा और आपको मालूम हो चुका है कि जिजा सनी से भी कम उम्र का बच्चा होता है इसलिए इसे ज़कात में नहीं दिया और लिया जा सकता दूसरी और अकली दलील यह है कि जक़ात में औसत दर्जे का जानवर देना वाजिब है और जजा छोटा होने की वजह से औसत की हद औसत की हद और फहरस्त से ख़ारिज है इसलिए इस हवाले से भी इसको ज़कात में देना दुरुस्त नहीं है इसलिए तो बकरी का जजा भी जक़त में देना जायज़ नहीं और चूँकि जान बकरी ही की एक कस्म है इसलिए इसका जजा भी जकवात में देना जायज़ नहीं होगा व जवाजलोजहती यहाँ से हज़रत साहिबैन के कयास का जवाब दिया गया है साहिबैन साहिब अल्लाह ने फरमाया था कि जिस तरह जिज़ा की क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त है इसी तरह उसको जक़ात में देना भी दुरुस्त होगा जिस तरह जक़ात की इबादत है इसी तरह कुर्बानी भी एक इबादत है और जिज़ की कुर्बानी दुरुस्त है लिहाजा उसको ज़कात में देना भी दुरुस्त होगा इस बात का जवाब यहाँ से हज़रा साहिबन के कयास का जवाब दिया गया है वह जवाज़ुल जवाज़ुलजहियती कहकर इसका हासिल ये है कि आप लोगों का ज़कात को कोबानी पर कयास करना दुरुस्त तो नहीं है क्योंकि जिज की क़ुरबानी का जवाज़ नफ्स यानी हदीस से साबित है चुनाच साहिब इनाया ने यह हदीस नकल की है नमत अल्जहीतज़ अमीना ज़न के न ज़ण के जिजा भेड़िया के एक साल से कम बच्चे की कुर्बानी, अच्छी कुर्बानी है नमतियत अमीना ज़ान लिहाजा जिज़ा की कुर्बानी का जवाब नस हदीस से साबित है साहिब बिनाया ने मुस्लिम के हवाले से हजरत जाबिर रजी की यह हदीस भी नकल फरमाई है ला तसन्ना यानी तुम लोग मुसीन्ना की क़ुरबानी करने की कोशिश करो हाँ अगर मुसीना ना मिल सके तोन का जजा जबह किया करो इस रिवायत से तो मालूम होता है कि जान के जिजा की कुर्बानी का जवाब भी बदरज मजबूरी है इसलिए कि इसको लेकर इसलिए इसको लेकर जिजा की अदायगी जक़ात में किफ़ायत पर इस्तलाल करना दुरुस्त नहीं है वल मुराद बीमार हो फरमाते हैं कि हज़र साहिब रही वग़ैरह ने इनमा हकना वाली जो रिवायत बतौर दलील पेश की है इसका जवाब ये है कि इसमें जजांसें ऊँट का जजाम मुराद है ना कि दुम्बे का भेड़िए का जजाम मुराद है ऊँट का जजाम मुराद है लिहाजा इसको लेकर इस्तेदाल करना सही नहीं है ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما